हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डीएमएलटी के बारे में। एकदम बढ़िया से समझिएगा, डीएमएलटी के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। कि डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो है ये क्या है, इस पर बात करेंगे। एक एक बात आप अच्छे समझिए 2022 के लिए, कि जो स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जी हाँ लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहता है, उनके लिए कॉलेज की बात करें तो ANMMCH गया और JLNMCH भागलपुर, ये दो कॉलेज की आज हम बात करेंगे। कि दोनों कॉलेज में इस बार कितना रैंक चाहिए ताकि डीएमएलटी डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में यानी पैथोलॉजी में इस दोनों कॉलेज में आपको एडमिशन हो सके। आप अपना रैंक मिलाइएगा जो रैंक हम बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहले समझ लीजिए कि डीएमएलटी जो है वो गर्ल्स भी कर सकता है। कौन कर सकता है? गर्ल्स भी करेगा और बॉयज करेगा, यानी डीएमएलटी दोनों, लड़का हो या लड़की, दोनों कर सकता है। और इस कोर्स को वही स्टूडेंट कर सकता है जो इंटर पीसीबी से पास किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किया, जो ट्वेल्थ जो है बायोलॉजी से पास किया है, मैथ वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग ANMMCH गया के बारे में। कि अनुग्रह नारायण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया में आपको जब लेना है एडमिशन डीएमएलटी में, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें जितना हम बता रहे हैं ना, उस सब गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितना कैटेगरी रैंक चाहिए, कितना यूआर रैंक चाहिए, ध्यान समझिएगा। देखिए, आप लोग का एक कैटेगरी रैंक दिया होगा, एक यूआर रैंक दिया होगा। पहले भी कई बार बता चुके कि यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक, ये दो को आपको चेक करना है। ये ओपन कैटेगरी रैंक पर आपको एडमिशन होगा, तो ध्यान से समझिए। अगर आपका यूआर रैंक, अगर आपका, देखिए आप अपना मिलाइए, आप किसी भी जाति से रहिए, किसी भी बिरादरी से रहिए, उसे उसको नहीं मतलब है। आप सभी का जो यूआर रैंक है वो होना चाहिए 26 से लेकर के 2199 के बीच। जी हाँ, आपका जो होना चाहिए यूआर रैंक होना चाहिए वो 26 से लेकर के 199 के बीच। अगर यूआर रैंक आ रहा है तो आप चिंता मुक्त रहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप अपना देखिए रिजल्ट जो है उस पे, रैंक कार्ड पे, कि आपका सबका यूआर रैंक दिया हुआ, सबका दिया है, तो यूआर रैंक 26 से 199 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके जाति के आधार पर बात कर ले, कास्ट के आधार पर, तो जो स्टूडेंट विकलांग होते हैं, देखिए हम विकलांग की पहले बात इसलिए करते हैं कि उनको, क्योंकि उनका सीट जो है ना रिजर्व रहता है, डिक्की वाले को, डिप्लोमा ए डिसेबल कोटा वालों को। ठीक है, विकलांग जो होते हैं, तो सबसे पहले हम विकलांग कोटा वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, डिक्की वाला के, कि जो स्टूडेंट विकलांग में आते हैं, डिक्यू में आते हैं, उनका देखिए डिक्यू जो रैंक दिया होगा वो 83 से 115। अगर जिस स्टूडेंट का रैंक 83 से लेकर के 115 के बीच आ रहा है, तो वो और यूआर रैंक 26 से लेकर के 2199 के बीच आ रहा है, तो उनको ANMMCH गया में एडमिशन मिलेगा। कोई स्टूडेंट यूआर कैटेगरी में आ रहा है, उनका रैंक 26 से 2199 के बीच आ रहा, तो उनको एडमिशन डिप्लोमा में, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में मिलेगा। लेकिन सुनो, कोई स्टूडेंट है जो एससी कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में, एससी में आते हैं, और एससी में आते हैं और उनका एससी रैंक जो है दिया है 87 से लेकर के 181 के बीच में दिया है, और उनका यूआर रैंक अगर देखा जाए तो उनका यूआर रैंक 26 से 2199 के बीच में अगर आ रहा है, तो उनको गया में लैब टेक्नीशियन में एडमिशन मिलेगा। कुछ स्टूडेंट है बीसी कैटेगरी का, अगर आप बीसी कैटेगरी से है और आपका बीसी रैंक जो है 692 आ रहा है या 93 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, और यूआर रैंक 26 से 2199 के बीच आ रहा है, तो आपको गया में लैब टेक्नीशियन में एडमिशन मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी ईबीसी है और ईबीसी रैंक दे रखा है
386 से 821 के बीच में आपका आ रहा है, आर ई यू आर रैंक मिलाइए 26 से लेकर के 2199 के बीच आ रहा है। ये दोनों कैटेगरी रैंक और ई यू आर रैंक दोनों मिलाना है, इतना इतना के बीच में आ रहा है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप आर सी जी कैटेगरी से आते हैं और आर सी जी रैंक जो है 983 के आसपास आ रहा है, आर यू आर रैंक मिला लीजिए 26 से 2199 के बीच आ रहा है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यू एस कैटेगरी से और ईडब्ल्यू एस का रैंक जो है 115 से 294 के बीच आ रहा है और आपका यू आर रैंक भी क्या है 26 से 2199 के बीच, यानी ईडब्ल्यू एस रैंक कितना चाहिए 115 से 294 के बीच और ई आर रैंक कितना चाहिए 26 से 2199 के बीच। ये दोनों इतना इतना के बीच में आपका कैटेगरी रैंक और इतना ई आर रैंक के बीच में आ रहा है तो आपको ANMMCH गया में एडमिशन मिलेगा। अगर हम यही बात कर ले JLNMCH भागलपुर के, JLNMCH भागलपुर की बात किया जाए, 2022 का कट ऑफ चल रहा है बाबू, कितना कितना उठेगा कॉलेज बाय कॉलेज हम बता रहे हैं। देखिए तो इसमें भी आपको कैटेगरी रैंक देगा, एक यू आर रैंक देगा, तो सबका यू आर रैंक दिया गया है, अपना अपना यू आर रैंक मिलाइए। आपका जो यू आर रैंक होना चाहिए और वो होना चाहिए 74 से लेकर के 1009 के पास। जी हाँ, अगर यू आर रैंक आपका, अब सभी को देखो सबका यू आर रैंक दिया, बिना यू आर रैंक का कोई स्टूडेंट का नहीं आया रिजल्ट, यू आर रैंक फिर कैटेगरी रैंक उनका दिया, दोनों दिया है। तो जिस स्टूडेंट का यू आर रैंक 74 से लेकर के 1009 के बीच आता है तो उनको JLNMCH भागलपुर में एडमिशन मिलेगा। अगर हम यही डिसेबल कोटा की बात करें तो जिनका डिसेबल कोटा में रैंक जो है DQ में 8 के आसपास आ रहा है और यू आर रैंक 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो एडमिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट यू आर रैंक में है तो उनके लिए तो 74 से 1009 के बीच रैंक होना चाहिए, लेकिन जो ST कैटेगरी में है, जो ST कैटेगरी में है, उन जो ST कैटेगरी में आते हैं उनका ST रैंक अगर 43 से 66 के बीच दिया है, 43 से 66 के मिलाइए ST रैंक अपना 43 से 66 के बीच आ रहा है या इसमें आ रहा है, सॉरी NMCH गया में ST वालों के लिए सीट नहीं दिया है, ST वालों के लिए कोई सीट नहीं दिया, ठीक है, JLNMCH में दिया है। तो ST कैटेगरी आपका देखिए 43 से 66 के बीच में रैंक आ रहा है और फिर यू आर रैंक मिलाइए 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो एडमिशन मिलेगा। अगर आप AC कैटेगरी में आते हैं और अपना AC रैंक देखिए 125 से 470 के बीच में आ रहा है और फिर यू आर रैंक मिलाइए कि 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो एडमिशन मिलेगा। अगर इतना 125 के से लेकर के 470 के बीच में आता है या फिर 187 से लेकर के 181 के बीच में आता है, इतना इतना जी कॉलेज भाई हम बताए, जिस देखिए मिलाइए कि जिस कॉलेज में आपका इतना के बीच में कैटेगरी रैंक आ रहा है उतना के बीच में उस कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आप BC कैटेगरी में आते हैं और आपका BC रैंक जो है 453 से 658 के बीच में आ रहा है और UR रैंक 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर यही बात कर ले EBC कैटेगरी का, EBC रैंक अगर 218 से 360 के बीच में आ रहा है, अगर UR रैंक 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो एडमिशन मिलेगा। अगर आप RCG कैटेगरी से आते हैं और आपका RCG रैंक 1101 से लेकर के 1151 के बीच में आ रहा है और यू आर रैंक मिलाइए कि 74 से 1009 के बीच में आ रहा है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप EWS में आते हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी में आते हैं और EWS का रैंक जो है 214 से 497 के बीच आ रहा है और यू आर रैंक 74 से 1009 के बीच आ रहा है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखिए ये कॉलेज वाई हमने बताया, ठीक है, कॉलेज वाई हमने बताया, अब अपना कैटेगरी रैंक और यू आर रैंक इस कॉलेज से भी मिला लीजिए और इस कॉलेज गया वाला से भी और भागलपुर वाला से, ये दोनों से मिला लीजिए, जिसमें आपका रैंक आ रहा है उसमें
आपको एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग एक तारीख के बाद होगा, ठीक है, काउंसलिंग एक तारीख के बाद होगा। हमने ये चीज बता रहा है कि काउंसलिंग जो है एक तारीख के बाद है और इतना इतना रैंक मिला ही अगर आता है इसके बीच तो आप इसी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको इसी कॉलेज का नाम दीजिएगा, एडमिशन मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।